प्रोविजनल असेसमेंट किसको है? रजिस्टर्ड पर्सन ऑन हिज ओन, यानी खुद होके जा रहा है वो कि मेरा समझ में नहीं आ रहा कितना टैक्स है क्या है, आप मुझे कैलकुलेट करके। सेक्शन 61 किसका है? सेक्शन 61 यहाँ पे दिया है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न। किसके रिटर्न? रजिस्टर पर्सन। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 62, सेक्शन 62 किसका है? सेक्शन 62 है नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। ये भी किसके लिए है? रजिस्टर्ड पर्सन। अब आ रहे हैं हम सेक्शन 63, ये किसके लिए है? तो हर एक प्रोसेस डिफाइन की गई है, हर एक टाइप ऑफ असेसमेंट डिफाइन की गई है। ये प्रोविजनल असेसमेंट रहेगी, ये नॉर्मल असेसमेंट रहेगी, जहां पे आपको भी चांस दिया गया है, नोटिस भी भेजी गई है, आपने रिटर्न भी फाइल किया है, आप इंफॉर्मेशन भी दोगे, वो आपको टाइम भी देगा, इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक होगी, वो डोर क्लोज कर दो, उसको घड़ी लगा दो। तो ये सब यहाँ पर होगा। फिर बाद में सेक्शन 62 आया, वो क्या है? नॉन फाइलर के केस में आप जा रहे हो क्या सामने? क्योंकि रिटर्न ही नहीं फाइल कर, तो इसके लिए नॉन फाइलर के केस में कौन सा ऑर्डर हो रहा है? इसको बोलते हैं आपका एक्स पार्टी या जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। यहां पर कौन सा होगा आपका? नॉर्मल असेसमेंट ऑर्डर, यानी इसमें आपको भी चांस दिया गया है, आपको भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यहां पर आप सामने आ रहे हो क्या? नहीं आ रहे हो, इसके लिए वो ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर उसके हिसाब से पास करेगा। अब यूआरडी की असेसमेंट कैसे होगी? जरा खुद ऑफिसर हो, कैसे दिमाग लगाएंगे आप कि यूआरडी है ये बंदा और इसको असेस करना है? ये बाय इनविटेशन रहेगा क्या? देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपने लिखा है क्या? आपकी मालूमात उनके पास है क्या? यहाँ पर आपने लिखा है क्या? यस। उल्टा यहाँ पे तो आप शरीफ हो, यहाँ पर क्या है? थोड़े बदमाश हो, बराबर। तो यहां पर ये क्या है आपकी मालूमात यहां पर है क्या? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट असेसमेंट इज यूआरडी। यूआरडी के अंदर भी दो प्रकार है। लेट रजिस्ट्रेशन लिया हमने, यूआरडी में कितने प्रकार है? दो। क्लास में लेट आके बैठा है, उसको हक्का लेंगे क्या आप? ठीक है, उसको नहीं समझा उसका रिस्पॉन्स। तो वो लेट आया रजिस्ट्रेशन को, 6 महीना लेट आया, 3 महीना लेट आया, तो क्या होगा? वो रजिस्टर्ड है पर उसका कौन सा पीरियड है? यूआरडी पीरियड। ये 3 महीने का यूआरडी पीरियड। और एक ऐसा बंदा है जो आई नहीं रहा, वो बाहर ही घूम रहा है ग्राउंड पे, यानी वो विद्यार्थी भी नहीं है, अपना स्टूडेंट भी नहीं है, तो वो जीएसटी का नंबर ही लिया नहीं है उसने,
बंदे को कैसे असेस करेंगे आप? हाउ? उसको आप प्यार से बुलाएंगे क्या, आजा भाई क्लास चल रहा है, ये क्लास चल रहा है, ये होमवर्क कर, ये पढ़ाई कर। उसको तो सीधा पकड़ के प्रिंसिपल के सामने बैठा के, तो यूआईडी असेसमेंट ये सबसे हार्श असेसमेंट होती है। एंड इसका उगम यानी इसका जन्म कहाँ होता है? सर्च, सीजर, इंस्पेक्शंस, यानी ये आसानी से लोग मानते नहीं है तो इनको पकड़ पकड़ के लाके असेसमेंट कराते हैं। तो दिस इज दी मोस्ट हार्श असेसमेंट। अब यहां क्या दिया है? असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, शब्द एक पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन शब्द नहीं है। Notwithstanding anything to contrary contained under 73 and 74, जो अपने पेनल्टी और विलफुल डिफॉल्ट वाले हैं, उसको ध्यान में ना रखते हुए, where a taxable person fails to obtain registration, यानी ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए सामने नहीं आया, even though liable to do so, यानी उसको मालूम था या उसको मालूम है कि मैं taxable good बेच रहा हूँ, taxable services कर रहा हूँ, 20 लाख के ऊपर टर्नओवर गया है मेरा, या मैं टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, और हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड अंडर 2 और 29, बट हु वाज लायबल टू पे टैक्स, यानी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया पर उसका बिजनेस चालू है, ऐसा भी कोई हो सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस टू टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट From the relevant period and issue a assessment order within year of 5 years, जैसा अपना ऊपर था वही, provided that no such assessment order shall be passed without giving the person an opportunity of being heard. तो यहाँ पर क्या बोला है कि base judgment assessment यहाँ पर फिर से होगी, same आपको चांस दिया जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन ले लो, रिटर्न भर दो, नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट वो कर देगा। पर ये कैसे मालूम पड़ेगा ऑफिसर को? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द प्रॉपर ऑफिसर। अब वो इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड कहां से मिलेगी? कोई दुकान है, उसके पास में रेड हो गई, सर्च एंड सर्वे हो गया, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए तो मालूम पड़ा कि यार ये पार्टी को ये माल बेच रहा है, और वो पार्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये पार्टी से वो माल खरीद रहा है और वो पार्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो तुरंत यहां से उठकर वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये ऐसा ही होता है, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है ना डिपार्टमेंट के पास, ऐसे ही होती है कि किसी एक के पास जाते हैं तो वहां से 10 लोगों की मालूमात मिल जाती है, फिर वो धीरे धीरे वो 10 लोगों को पकड़ना शुरू होता है, वहां से निकलेगी और आगे मिल जाता है। तो ये चेन रिएक्शन है। और आपको शुरुआत में ही हमने पढ़ा था जीएसटी का, जो मैंने बताया था कि जीएसटी ये वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब क्या? मैन्युफैक्चरर ने माल बेचा होलसेलर को, तो होलसेलर कितना टैक्स भरेगा? जो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स भरा है उसका आईटीसी लेगा। उसने कितनी वैल्यू ऐड की? 100 रुपए में उसने खरीदा, 150 रुपए में बेचा, तो होलसेलर कितने पे टैक्स भरने वाला है? 50 पे। होलसेलर ने उठा के किसको बेचा? रिटेलर। रिटेलर ने वो 225 रुपए में बेचा आगे, तो 150 रुपए में किसने खरीदा? रिटेलर ने। और उसने कितने में बेचा? अब वो कितने पे टैक्स भरेगा? 75 रुपए, क्योंकि 150 रुपए का वो आईटीसी लेगा। फिर ये रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। और ये सारा आईटीसी लेने के लिए क्या चक्कर होने वाला है? जीएसटीआर कौन सा रिटर्न? 1। देखा हमने परसों, कौन भरेगा ये जीएसटीआर 1? मैन्युफैक्चरर भी भरेगा, होलसेलर भी भरेगा, रिटेलर भी भरेगा। अब मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि मैंने तो जीएसटीआर 1 भर दिया और ए नाम की पार्टी को माल बेच दिया,
ए वाले ने बोला मैंने खरीदा ही नहीं तो मिसमैच आया। तो ऐसे मिसमैचेस के अंदर इंफॉर्मेशन के थ्रू इनको यूआरडी लोग मिलते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले जैसा आपने कहा जीएसटी नेटवर्क के पास में रोज करोड़ों ट्रांजैक्शंस का डेटा आ रहा है और उनके पास में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एनालिटिकल्स है, डेटा एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, उसके थ्रू वो पूरी जानकारी रखते हैं कि कौन पार्टी किसको माल बेच रही है, क्या रेट से बेच रही है, कौन बी टू बी ज्यादा कर रहा है, कौन बी टू सी ज्यादा कर रहा है, तो क्या रेट से कर रहा है, क्या HSN कोड है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, समझो फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, कितनी फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, जितनी है बहुत सारी है, सबका HSN कोड क्या रहेगा, एक ही रहेगा। सब लोग रिटर्न कहां फाइल करने वाले, कहीं से भी बनाओ कहीं से बेचो, रिटर्न कहां जा रहा है उनका, HSN कोड दी जाएंगे। HSN कोड के हिसाब से उनको मालूम पड़ जाएगा ये फ्रिज ये कंपनी इतने में बेच रही है, वो आगे इतने में बेच रहा है, वो आगे इतने में बेच रहा है, तो कोई भी बीच में गड़बड़ी करी जो उनको ध्यान में आ जाएगा कि ये डीलर बराबर काम नहीं कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर बराबर सही नहीं कर रहा है, फटाक से उसके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जैसे हम अगर आप सब लोग डीटीएल के स्टूडेंट्स हो, अब आप सबके पेपर चेक कर रहे हैं तो एक फॉर्मेट में रहेगा ना सब, पर अगर वो किसी ने गड़बड़ी कर दी तो उसको पास करेंगे या फेल करेंगे, तो बराबर वो GSTN नेटवर्क बाहर निकाल के देता है कि अरे ये HSN कोड के हिसाब से इतना टैक्स रेट आता है 18% और ये पार्टी 12% से बेच रही है, तो खटक से उसको नोटिस कि भैया ये HSN कोड तो 18 वाला है, तू 12 वाला कैसा ले रहा है। तो कोई भी चीज उनसे छुपी हुई नहीं है, आज ना कल मैच मिसमैच रॉन्ग रिटर्न्स ये पकड़े जाने वाले हैं, क्योंकि ऑफिसर के भरोसे जीएसटी नेटवर्क नहीं है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के अंदर एक साथ हजारों लाखों नोटिसेस निकल सकते हैं, तो कोई भी इसमें से छूटने वाला नहीं है। सेक्शन 64 समरी असेसमेंट इन सर्टन स्पेशल केसेस। अब ये सेक्शन 64 जो है यहां पर दिया है समरी असेसमेंट इन सर्टन स्पेशल केसेस। अब ये क्यों आया, यहां पर तो कंप्लीट असेसमेंट हो रही है, पूरा रिटर्न चेक हो रहा है, फिर ये क्यों आया स्पेशल केसेस, सर्टन स्पेशल केसेस। तो ये स्पेशल पावर्स दिए हैं कि पूरा चेक मत करो, ऑल ITC, ऑल सेल्स, ऑल इनवर्ड, ऑल आउटवर्ड, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चेक करो बस। ये क्यों आया, एक सॉफ्टवेयर के वजह से। GSTN नेटवर्क जब नोटिस निकालेगा तो वो उसमें से बोलेगा कि ये पार्टी का इतना इतना चेक करो, तो वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उतना ही चेक करेगा, उतने की ही नोटिस देगा। और एक बार अगर ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रीज हो गई, उसकी मालूमात मिल गई, सेटिस्फेक्शन हो गया, करेक्ट है, तो असेसमेंट ऑर्डर वो पास करके क्लोज कर देगा। तो ये असेसमेंट ऑर्डर ये एक छोटा रूप हो गया, किसका छोटा रूप, इसका, कंप्लीट असेसमेंट की जगह स्पेसिफिक असेसमेंट। सारे पेपर देने की जरूरत नहीं, जो पेपर फेल हुए उसी को फिर से एग्जाम में बैठना है, तो वैसा ही सारी चीजें आपको देने की जरूरत नहीं, जहां पर प्रॉब्लम है उसी की मालूमात वो मांगेंगे। सेक्शन 64 में लिखा है द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन एनी एविडेंस शोइंग द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल
कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर प्रोसेस टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इश्यू असेसमेंट ऑर्डर इफ ही हैज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू बिलीव दैट एनी डिले इन डूइंग सो विल एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. मतलब असेसिंग ऑफिसर परमिशन लेगा, परमिशन लेते वक्त वो बताएगा कि यार ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है सर और ये हिसाब से मुझे असेसमेंट करनी पड़ेगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू हुम द लायबिलिटी पर्टेन इज नॉट असर्टेनेबल एंड सच लायबिलिटी पर्सन टू सप्लाई ऑफ गुड्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन. ये गोडाउन हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, जिनके पास भी माल रहता है वो रजिस्टर्ड नहीं है पर किसी और का माल रहा है या वो उसका इनवॉइस नहीं है. जैसा हमने देखा था कि गोडाउन वालों को ट्रांसपोर्टर्स को भी इनवॉइस साथ में रखना जरूरी है. अगर रास्ते के अंदर ट्रक पकड़ी गई, वो ट्रक के अंदर माल है, अब वो माल किसका है क्या है वो नहीं बता पा रहा है, इनवॉइस नहीं है, तो वो जो इंचार्ज है गुड्स का वो ट्रांसपोर्टर उसको पकड़ के ही वो असेस कर देगा कि यार ये तेरे पास में माल मिला है किसका है बता, नहीं तो तू टैक्स भर. ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर ऑन हिज मोशन इफ एडिशनल कमिश्नर कंसीडर्स इट्स इरोनिमस और विथड्रॉ द ऑर्डर. यानी कहीं गलती से भी अगर ऑर्डर बन गई है और अगर सामने वाले ने बता दिया कि अरे सर ये पॉइंट तो मेरे इसमें कवर था पर आपने इसको बना लिया है ऑर्डर पर इसको करेक्ट करो, तो वो भी वहां पर हो सकता है. तो ये जो समरी असेसमेंट वाली केसेस है ये ऑन द स्पॉट होने वाले असेसमेंट्स को भी काम आएगी, ई वे बिल के अंदर काम आएगा, गोडाउन के अंदर ये काम आएगा. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखना है सेक्शन 64. पर सेक्शन 64 में एक राइडर है, एक कंडीशन है, विदाउट परमिशन ऑफ हिज सीनियर्स ही कैन नॉट डू सो. अब यहां पर पावर किसको दी गई है सेक्शन 64 की? असेसिंग ऑफिसर. असेसिंग ऑफिसर के पास क्या होना चाहिए? एविडेंस, इंफॉर्मेशन, उसके पास मालूम होनी चाहिए कि गलत कहीं टैक्स चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन लेके किसके पास जाएगा? सीनियर्स के पास. सीनियर से वो परमिशन लेगा कि मुझे ये सेक्शन में असेसमेंट करने दो और फिर वो अपने को भी चांस देगा और हम उसको चेक कर सकेंगे. तो ये ऐसा पूरा अपना असेसमेंट का चैप्टर था. तो इम्पोर्टेंट है 61 जो कि रजिस्टर का है एंड 63 जो कि यूआरडी का असेसमेंट है. इसके रूल्स भी है, रूल्स के अंदर उन्होंने फॉर्म्स वगैरह दिए हैं असेसमेंट एंड ऑडिट. पेज नंबर 82 नंबर है, 11 नंबर का रूल. ग्यारह नंबर का चैप्टर है. असेसमेंट एंड ऑडिट. तो रूल नंबर 98 दिया है प्रोविजनल असेसमेंट के रिलेटेड. ये प्रोविजनल असेसमेंट में कौन सा फॉर्म रहेगा? ASMT असेसमेंट. ये GST में बड़ा अच्छा किया है, जो प्रोसीजर है वो फॉर्म का वो शॉर्टकट लिख देते हैं. तो 01 नंबर का वो ये देगा नोटिस, वो हिसाब से प्रोविजनल असेसमेंट का अपने को रिक्वेस्ट डालना है एप्लीकेशन ASMT 01. फिर ASMT 02 के अंदर वो नोटिस करेगा, ऑर्डर पास करेगा 03 के अंदर, फिर 04 के अंदर आप आगे ऑर्डर जब होगी उसका पेमेंट करो. ऐसे पूरी प्रोसीजर उन्होंने यहाँ पर दी गई है. टोटल 9 फॉर्म्स है ASMT प्रोविजनल असेसमेंट के. फिर 99 नंबर का रूल है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो 99 नंबर का जो रूल है ये आगे अपने को काम आएगा कि ये जो रिटर्न्स हमने फाइल किए हैं उसका क्या होगा, उसकी असेसमेंट आती है, स्क्रूटिनी आती है, तो वो नोटिस भेजेगा. नोटिस के लिए ASMT 10 नंबर का फॉर्म यूज करेगा. डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो 11 नंबर में देगा. ऑर्डर पास करेगा 12 नंबर में. ऐसे ये सारे फॉर्म्स इन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए. फिर 100 नंबर का रूल है असेसमेंट इन सर्टन केसेस, जो बाकी हमने देखा नॉन फाइलर्स यूआरडी उनके केस में क्या फॉर्म्स रहेंगे.
101 अभी तक हमारा हुआ नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर का है ऑडिट का। अब 101 एंड 102 ये ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, ये दो शब्द यूज किए, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे तो फिर आज का अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये